महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें रुक्मिणी श्री कृष्ण को एक पत्र लिखती है और पत्र में उन्हें पुकारती है, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारो भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस करती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, और कहूँ के अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर के कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी। दिखाया है कि रुक्मिणी का विवाह निश्चित हुआ है शिशुपाल से, जबकि वो स्वयं और उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसका विवाह कृष्ण से हो, परंतु वो एक पत्र भेजती है और वो पत्र कृष्ण को मिलता है और कृष्ण आते हैं और उसको ले जाते हैं उसके भाई रुक्मी को हराकर। इस प्रसंग का वर्णन है,
रुक्मिणी एक आत्मा का प्रतीक है जो श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी है और उसका आह्वान करती है, हृदयेश्वर हृदय विहारी, आओ और मुझे ले जाओ। ये उसका अपना निर्णय है, क्योंकि दिखाया है शिशुपाल आ चुका है, जयद्रथ भारत मगध का सम्राट है, शक्तिशाली है, पर ऐसी सारी परिस्थितियां होते हुए भी रुक्मिणी अपना निर्णय लेती है और एक ब्राह्मण को भेजती है श्री कृष्ण के पास इस पत्र के साथ, जिसको उसने अभी तक देखा भी नहीं है, परंतु उसकी कीर्ति, उसका पराक्रम, उसका सौंदर्य से वो प्रभावित है। और वो ये भी कहती है कि ये उस ब्राह्मण को कहती है बताते समय, ये किसी कन्या की चंचलता नहीं है, मैंने उसको मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको भेज रही हूँ। और बलराम किसी दूसरे दृश्य में जब श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुमने रुक्मिणी का हरण किया था, अपहरण किया था, कृष्ण कहते हैं मैंने अपहरण किया ही नहीं, मैंने उसकी मदद की थी, उसने मुझे पुकारा था मदद के लिए और मैंने उसकी मदद की थी। तो अभी हम चर्चा करेंगे, अभी अभी जो मुरली चली संडे, उसका दूसरा भाग, कुमारियों से मुलाकात और टीचर्स से मुलाकात। कुमारी अर्थात अपना फैसला स्वयं करने वाली, कुमारी अर्थात अपना जज खुद बनने वाली और खुद अपना फैसला करने वाली कि मुझे क्या करना है, किसके साथ जीवन व्यतीत करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। चाहे दुनिया वाले जो करना है करे, चाहे माँ बाप जो कहना है कहे, भाई बहन जो कहना है कहे, संसार की आत्माएं जो कहना है कहे, परंतु कुमारी अर्थात स्वयं का जज बनकर अपना निर्णय खुद करे। और ये बात केवल कुमारियों की नहीं है, कुमारों की भी है। तो यहाँ कुमारियों से मुलाकात में बहुत सारी बातें बाबा ने कही है, पहले कुमारियों से मुलाकात और फिर टीचर्स से मुलाकात। कुमारी अर्थात कौन सी चीजें नहीं करने वाली, जॉब और मैरिज दो है, कोई बंधन स्वीकार नहीं, किसी की दासी नहीं बनना है। कुमारी अर्थात दासी नहीं, कुमारी अर्थात बंधन नहीं, कुमारी अर्थात नौकरी की टोकरी नहीं, कुमारी अर्थात उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विश्व कल्याणकारी है वो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आई है वो, किसी एक व्यक्ति की बनकर नहीं रह सकती, ना ही किसी चार दीवारों के घर में वो गुलामी का जीवन, दासता का जीवन व्यतीत कर सकती है। आत्मा जब स्वतंत्र है तब शक्तिशाली है, जो आत्मा बंधन में है वो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकती, जो बंधन में है, जो दासी है वो उदास है, वो दर्द है, वो चिंता में है, जो चिंता में है वो बड़ी उदासी में भी होता है। कोई गाय नहीं है कि कोई भी पकड़कर कहीं पर भी ले जाए, रीढ़ बकरी नहीं है कि कोई भी हुकूमत चलाए उसके ऊपर। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमार अर्थात स्वतंत्र, दोनों ही चीजें हैं, चाहे कुमारी चाहे कुमार। और स्वतंत्रता में खुशी है, आजादी में खुशी है, और सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली दास्ता है मानसिक दास्ता, और सबसे कमजोर दास्ता है राजनीतिक दास्ता। राजनीतिक दास्ता से तो मुक्त हो गए, आज की मुरली है, मुरली में वो है हद का बापू, बाप है बेहद का बापू, उसमें तो छूट गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मन यदि गुलाम है तो सबसे बड़ी गुलामी है, विचार यदि गुलाम है सबसे बड़ी गुलामी है।
हमारी समझ दानी यदि छोटी है, यह सबसे बड़ी गुलामी है। हमारी समझ पर किसी और की समझ का प्रभाव है, बहुत ज्यादा है, आसपास वालों का, यह दासता है। तो कुमारी अर्थात जिसे कोई बंधन स्वीकार नहीं, जो निर्बंधन है, किसी भी तरह का बंधन स्वीकार नहीं। वो बताते हैं चाहे ये जोक कुमारों के ऊपर करो या कुमारियों के ऊपर, कुमारी अपने बाप के यहां पलती है रानी बनकर, फिर शादी होती है, ससुर के घर आती है लक्ष्मी बनकर, और फिर सेवा करते करते बाई बन जाती है, और फिर रानी लक्ष्मी बाई बनकर अपना जो पति है वो अंग्रेज ना होते हुए पर उसके ऊपर ऐसी हुकूमत करती है कि वो धीरे धीरे अंग्रेजी पीने लगता है। ऐसा जोक सुनाते हैं, चुटकुला। तो किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं। कुमारी अर्थात समझदार, समझदार अर्थात सोचा समझा और किया, अपना निर्णय खुद लेने वाला। हम अभी अभी एक ऐसी माता से मिले थे जिसकी उम्र 75 थी, और वो जब कुमारी थी तब मम्मा की स्टूडेंट थी, पर ज्ञान में अभी 4 साल से। बहुत दुख है, जब कुमारी थी तब ज्ञान में आ गई, मम्मा से मिली, मम्मा से कोर्स किया, मम्मा से ज्ञान लिया, हाथ छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, संसार में गई, शादी की, युगल है, अभी बच्चे पोते, अभी 4 साल से ज्ञान में। क्या कहेंगे, कैसा है ये? उससे तो अच्छा है कि जो लेट आए, कम से कम पहले आए और छोड़ा तो नहीं। मम्मा को तो देखा, पर खाली देखने से कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा को देखने वाले कितने हैं, हमारी ओपीडी में कितने लोग आते हैं आबू के, वो कहते हैं आपके जो ब्रह्मा थे ना हमारी दुकान के सामने बैठते थे, आपके जो ब्रह्मा बाबा थे ना, ये तो हम आबू में इतने लोग हैं जो जिनका जन्म इधर हुआ है, आबू में इतने सारे पेशेंट्स हैं हमारे पुराने पुराने, जिन्होंने यज्ञ के सारे इतिहास को देखा, पहले यहाँ ये था, पहले वहाँ वो था, फिर हमारे पास आते तो हम उनको अपनी दुकान से ये देते थे, ये सब कुछ किया देखा, परंतु ये खबर ही नहीं कि ये है कौन। कैसा दुर्भाग्य है, उससे तो अच्छा अच्छे वो है जो दूर थे और उन्होंने वहां बैठकर पहचान लिया। तो कुमारी अर्थात समझदार, कुमारी अर्थात सोच समझ कर हर निर्णय करने वाली, फैसला करने वाली, द लास्ट द फाइनल डिसीजन। जीवन का हर एक को डिसीजन लेना होता है, क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, नरक में जाऊं या स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाऊं, किसको अपना जीवन सौंप दूं, किसी देहधारी को या भगवान को, इश्क प्यार मोहब्बत संसार में खो जाऊं या भगवान के ईश्वरीय प्यार में, ईश्वरीय नशे में, क्या बनूं, टीचर बनूं और विश्व कल्याण करूं, या फिर संसार की दलदल में, विकारों में गोते खाते रहूं। हर एक कुमारी या फिर कुमारों को यह निर्णय करना पड़ेगा, और जब बड़ा निर्णय करना होगा जीवन में, कम से कम 3 तो अमृत वेला चाहिए। सुबह 2 बजे से तो 5 बजे तक का, जब कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है, कम से कम 3 अमृत वेला स्वयं को भगवान के सामने रख कर समर्पित कर दो, क्या करूं, इधर या इधर। दिन भर में कोई निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने का समय है अमृत वेला, टाइम 2:00 सुबह सुबह।
स्थान यदि मधुवन हो तो सर्वोत्तम है। और जब यहां आए हैं यही वो निर्णय ले लेना है, और अपने निर्णय को इतना गुप्त रखना किसी को खबर ना हो, और उस निर्णय रूपी बीज को रोज पानी डालते रहना, किसी के सामने निर्णय को प्रकट नहीं करना, नहीं तो जोश बहुत रहता है दुनिया से पंगे लेने का, ज्ञान में आने के बाद पावर आ जाती है, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, नया नया प्यार पावर ज्यादा रहती है। जैसे संसार में युवक युवती स्त्री पुरुष, वो पुरुष जो कभी अपने माँ बाप के सामने आंख नहीं उठाता था, प्यार होने के बाद सीधा सीधा जवाब देता है, पावर आ जाती है। वैसे ईश्वरीय प्यार में तो उससे भी ज्यादा पावर है। तो फैसला, निर्णय, डिसीजन, द फाइनल डिसीजन हर एक को लेना पड़ेगा। दिनचर्या का डिसीजन, जीवन का डिसीजन, स्थान का डिसीजन, किसके साथ रहना है वो डिसीजन, भोजन का डिसीजन, वही खाते रहूं या कुछ परिवर्तन करूं, उसी स्वाद में डूबा रहूं या स्वाद से परे जाने का भी पुरुषार्थ करूं, उसी इंद्रिय सुखों में डूबा रहूं या इंद्रियों से परे भी कोई सुख है उसे पाने की कोशिश करूं। फीलिंग देवी बनकर जीना है रोते रोते, या रोना प्रूफ होकर जीना है? क्या बस रोते ही रहूं दिन भर? मलिकाए जज्बात, आंसू ही आंसू, किसी ने कुछ बोला रोना, किसी ने कुछ कहा रोना, गलत व्यवहार किया रोना, बात बात पे रोना। कुमारी अर्थात रोने से परे, कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात समझदार, कुमारी अर्थात जिसके पास पंख है, कौन से? उमंग उत्साह के पंख। और गृहस्थी अर्थात परकटी चिड़िया, परकटी चिड़िया बताए ना, पंख टूट गए अब उड़ नहीं सकती, परकटी चिड़िया नहीं बनना है, पर वाली चिड़िया बनना है जो उड़े आकाश में। और इसका संबंध, स्वतंत्रता का संबंध केवल विवाह से नहीं है। हो सकता है जो अविवाहित है वो ज्यादा बंधन में है, और जो विवाहित है वो ज्यादा स्टेबल है, स्थिर है, यह भी हो सकता है। क्योंकि इसका संबंध मन की आसक्तियों से है, मन के लगाव से है। किसने कितना स्वयं को सभी लगाव से मुक्त कर दिया है, कोई भी लगाव ना हो इस संसार में। यदि बहुत प्यार है किससे, सोचो वो मर गया और उसकी कब्र हमारे दिल में है। अगर लगाव है किससे तो उसकी कब्र बना के रखना, फूल चढ़ा देना रोज, अच्छा किया तू मर गया। सामने खड़ा है व्यक्ति पर अंदर उसकी कब्र है, बहुत अच्छा गए, शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, अब वापस मत आना, तुम मर चुके हो हमारे जीवन से। हमारे दिल में किसी देहधारी के लिए उस तरह की कोई जगह ना हो। वो प्यार इश्क मोहब्बत की सारी खिड़कियां बंद, एक बाप का प्यार उसमें बैठा है, बस वही सेफ है, वही शक्तिशाली है, वही सिक्योर है। बाकी सब दगेबाज है, धोखा देने वाले, कभी ना कभी धोखा अवश्य देंगे। इसके लिए कुमारियों को लक्ष्य रखना है, कोई बंधन नहीं और दासी नहीं बनना। क्या कहा संडे की मुरली में, लक्ष्य कौन सा रखा है कुमारियों में, किसी भी बंधन में नहीं फंसेंगे। और किसी की भी दासी नहीं बनेंगे, मानसिक दासता, आर्थिक दासता, भावनात्मक दासता, बौद्धिक दासता, शारीरिक दासता, कुछ नहीं चाहिए किसी से। कुमारी अर्थात
इंडिपेंडेंट, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कम से कम 14 बातें नहीं चाहिए। पहला, प्यार। किसी से प्यार नहीं चाहिए, ये तवक्कु, ये इच्छा नहीं रखना कि दूसरा आकर मुझे प्यार करे। भगवान प्यार कर रहा है और दूसरा भी चाहिए क्या? करेंगे स्वार्थ है, करेंगे काम अंदर छिपा हुआ है। किसी से भी प्यार की काम कोई करे तो बहुत अच्छा, ठीक है, परंतु हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, केयर एंड अटेंशन, कोई हमारा ध्यान रखे। हम बीमार हैं, हम कमरे में हैं, कोई पूछे कि खाना खाया क्या, बुखार कम हुआ क्या। कुमार अकेला रहता है बेचारा, कोई पूछता भी नहीं उसको खाया क्या भोजन, कुछ चाहिए क्या। नहीं चाहिए किसी से कुछ भी, ना प्यार चाहिए, दूसरा ना केयर ना अटेंशन, किसी कोई हम हमारे तरफ ध्यान दे नहीं चाहिए। तीसरा, किसी की स्तुति नहीं चाहिए, प्रेज। हम जो सेवाएं कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने आप ऊपर जमा हो रहा है, भाग दौड़ की, बहुत भाग दौड़ की। अब जब वर्णन कर रही है बहन जी तो हमारा नाम ही नहीं लिया, कुमार दुखी हो जाते हैं, इतनी हमने भाग भाग के सेवा की और हमारा नाम भी नहीं लिया। अच्छा किया नाम नहीं लिया, मार्क्स कम हो गए होते, उधर जमा कर लिया ना, निष्काम सेवा की और निष्काम कर दो उसको, कोई वर्णन नहीं उसका, ना हम वर्णन करें ना दूसरे वर्णन करें। इस दुनिया से गायब हो जाओ, इन्वर्टेड कॉमा डायरी में नोट करके रख दो, क्या हो जाओ, इस दुनिया से गायब। अपने शरीर को ही भूल जाओ तो दूसरे हमारे शरीर को क्यों याद करेंगे, हम ही अपने शरीर को भूले हुए हैं, वो भी भूल जाए। चौथा, मदद। कोई मदद करे तो बहुत अच्छा, पर हमें मांगनी नहीं है, भीख नहीं मांगेंगे किसी के, मदद करो मेरी। पांचवा, सहयोग। किसी का सहयोग नहीं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, पर भीख नहीं मांगेंगे किसी से सहयोग के लिए। भगवान सहयोग दे रहा है, हजार भुजों वाला। उसके बाद हमदर्दी, सिक्स्थ। किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए, तुमको कैसा है, तुम ठीक नहीं थे, कुछ चाहिए क्या, क्यों चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान है हमारा। बच्चे मेरी कुछ मदद करे, सहायता करे, हमदर्दी दिखाए, हम मैं माँ इतनी दुख में है, पूछते भी नहीं, ना बच्चों से हमदर्दी चाहिए, ना बहन से, ना भाई से, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी मित्र से, ना किसी संबंधी से। सम्मान, सातवां, भगवान सम्मान दे रहा है, देहधारियों के सम्मान का हम क्या करें, आज सम्मान देंगे कल गालियां देंगे, आज तारीफ बहुत करेंगे कल पत्थर मारेंगे पीछे से, ऐसे सम्मान की हमको कोई इच्छा नहीं है। अगला, सुख। कोई देहधारी आए और मुझे सुख दे, मुझे नहीं चाहिए, भगवान सुख का सागर है, उससे हम ले लेंगे जितना लेना है। ये मुझे दुख क्यों देते हैं, थोड़ा तो सुख दे, हमने इनको इतना सुख दिया, इतनी इनकी सब कुछ किया इनके लिए, आज ये लोग हमको दुख देते हैं, दुख वो नहीं दे रहे हैं, तुम ही द्रौपदी और तुम ही दुशासन, तुम ही कर्ण और तुम ही अर्जुन, तुम ही दुर्योधन, तुम ही शकुनी, तुम ही युधिष्ठिर, तुम ही भीम, सारा खेल तुमने रचा है, जीवन के सारे दुख का कारण एक ही व्यक्ति है तुम स्वयं, हमारे दुखों के लिए कोई इस संसार का जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद में शक्ति। किसी से शक्ति नहीं चाहिए, हमारे लिए योग करना, हमारे लिए सकाज देना, सकाज की भीख मांगते रहते, हमारे लिए सकाज देना,
हमारे यहाँ बहुत विघ्न चल रहा है, थोड़ा उधर से मधुबन से सकाश भेजो। एक माता मिली थी, कह रही थी कि आज फोन आया था, आज शाम को मेरी बेटी को लड़का देखने आ रहा है, प्लीज वहां से सकाश भेजना। मधुबन से अच्छी पावरफुल वाली, रिश्ता बन जाए बस। बाप आए सारे रिश्ते तोड़ने, तुम तो हमको पूछ रही हो रिश्ता बना दो, कहीं उल्टा ना हो जाए, हम यहां से सकाश दे दे और कुछ और हो जाए। शक्ति नहीं चाहिए किसी से भी, हम स्वयं शक्तिशाली है। आज सुबह का महावाक्य, मीठे बच्चे बोलो किसको याद है, पूरा करो पूरा करो। योग बल से क्या करो, योग बल से क्या कर दो, संस्कार को परिवर्तन कर दो। ऐसा था, बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों में बदल दो। और अच्छे संस्कार कौन से हैं, ज्ञान और पवित्रता। मुरली में एक जगह वाक्य है, बाप आए हैं तो तुम्हें चेंज होना पड़े, बाप आए हैं तो तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। कुछ भी तो नहीं किया तुमने अब तक, बेबीज, यू बेबीज बोला ना आज सुबह, इतना काम पड़ा है और आराम से सोए बैठे बेगुन। किसी से भी शक्ति नहीं चाहिए, हम स्वयं शक्तिशाली है। शक्ति देने वाला ऊपर बैठा है, मांगेंगे उससे भी नहीं मांगेंगे, उसने दे दी है, मांगना ही नहीं है किसी से, उससे भी नहीं मांगना है, अधिकार है हमारा। उसके बाद में खात्री, हॉस्पिटैलिटी, हम कहीं गए हमारा स्वागत सम्मान सत्कार, कभी सब कुछ करेंगे कभी कुछ भी नहीं करेंगे। कहीं पर माला विला पहनाएंगे, कहीं पे पानी भी नहीं पूछेंगे, सब होगा। खातरी नहीं चाहिए किसी की भी, हॉस्पिटैलिटी करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, तो ज्यादा ही ठीक। व्यक्ति स्तुति से ज्यादा सीखता है या निंदा से, स्तुति उसे बाह्यमुखी बनाती है, निंदा उसे अंतर्मुखी बनाती है। निंदा में थोड़ी अपनी चेकिंग करता है कहीं गलती तो नहीं हो गई, स्तुति में सोचता है ये तो बहुत ही कम हुआ, मेरी और ज्यादा है, आपने तो बहुत ही कम सुना, हम तो इससे भी ज्यादा है, और बाह्यमुखी होता है। उसके बाद वस्तु, ये पर्स बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा है क्या, ये जैकेट कहां से लिया, एक्स्ट्रा है, शूज तो बहुत बढ़िया दिख रहे, ये वाली शॉल कहां मिलती है गोल गोल जिसमें छेद होते हैं, एक्स्ट्रा है क्या, इतने बड़े बड़े छेद, उसमें से ना तो सर्दी ठीक जाती है, किस लिए है वो पता नहीं, फैशन, वस्तु। उसके बाद कुमारों के लिए पैसा, मर जाना पैसा नहीं मांगना किसी से, कर्ज मर्ज है। By the sweat of thy brow thou shalt earn thy bread, अपने माथे के पसीने से अपनी रोटी पकाओ खाओ, किसी से भी नहीं मांग, जितना हो सके इंडिपेंडेंट, आर्थिक डिपेंडेंसी दास्ता बहुत बड़ी दास्ता है, किसी से भी नहीं, हो सके तो माँ बाप से भी नहीं, खुद ही खड़ा हो जाओ अपने पैरों पर जितना हो सके, अधिक से अधिक। उसके बाद में भोजन, कुमारों कौन कौन अपना भोजन खुद बनाते हैं सेंटरों पर, कुमारों में से बाहर रहने वाले नहीं, उसमें एक्स्ट्रा पावर होती है, खुद जो अपना भोजन बनाते, भोजन किसी से नहीं मांगना है, हाथ नहीं फैलाना है, भीख नहीं मांगना, दे दो हमको टिफिन, हम अकेले हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करो, किसने बोला नहीं करो, भोजन बनाओ खुद का और करो।
कितने हो गए? 12। इधर कितने हो गए? इधर 13 हो गए। कुछ छूट गया? हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, संकल्प करके रखना है मन में। अगर मांगना पड़े ही तो एक भगवान से। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि मांगना ही है तो उससे मांगना, और किसी से नहीं। ये जितनी लिस्ट बताई, लक्ष्य रखना है, इन सब मांगने से हम मुक्त हो। तो कुमारी अर्थात निर्बंधन, कुमारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, कुमारी अर्थात जज, कुमारी अर्थात अपना फैसला खुद करने वाली, कुमारी अर्थात समझदार, कुमारी अर्थात सोचा समझा और किया, कुमारी अर्थात उमंग उत्साह के पंख जिसके पास है, उसका अपना उमंग उत्साह कम ना हो। वो पॉइंट्स लिखनी है कि जिसने मेरा उमंग उत्साह ज्ञान योग में कम कर दिया, उसकी एक लिस्ट बनानी है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसने उड़ रहे थे तो परकटी चिड़िया बना दिया, अब उड़ ही नहीं सकते। एक पंछी सोचो यहां पड़ा है जिसके पंख ही किसी ने काट दिए, कितना दर्द में होता है, कितनी पीड़ा होती है। अपने साथियों को उड़ता देखकर उसको कैसा लगता होगा, ये लोग इतना उड़ रहे हैं मैं क्यों नहीं उड़ पाता। साथी, एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी या कुमारी कौन है, इस पर निबंध लिखना है। ये सबके लिए काम। एक आदर्श कुमार इधर, एक आदर्श कुमार कैसा होता है उसके ऊपर चिंतन करना है, और एक इधर आदर्श कुमारी कैसी होती है उस पर चिंतन करना है। उसके बाद बाबा ने बात की टीचर से। टीचर अर्थात जो मौज में रहे, मौज मौज, सेवा की मौज, ज्ञान की मौज, याद की मौज। और मौज में रहने वाले जो मूंझे हैं उनको भी मौज में लाएंगे, जो मौज में है वो दूसरों को भी उड़ाएंगे और खुद कभी दुखी नहीं होंगे। ये जीवन अर्थात मौज वाला जीवन। वो कौन सी बातें हैं जिसने हमें दुखी कर रखा है, कौन सी बातें हैं जिसने अशांत कर रखा है? जरूर कोई एक्सपेक्टेशन है। कुमारी अर्थात नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, ब्रह्मा कुमार अर्थात नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं। कोई शांति दे दे, सुख दे दे, शक्ति दे दे, कुछ भी नहीं चाहिए। 13 हो गए थे ना, एक ऐड करो उसमें, पालना। कोई मेरी पालना करे, हम छोटे हैं, हमारी भी कोई पालना करे। हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं मिला, हमें वैसा नहीं मिला। कभी बहुत सारी छोटी बहनें दादी के पास गई, गुलजार दादी के पास गई, बहुत सारी शिकायतें करने लगी, ये ऐसी है वैसी है, हमारी बड़ी बहन ऐसी करती वैसी करती। दादी ने क्या कहा उन छोटी बहनों को? उसकी माँ बनकर पालना करो। पालना लेने का समय बीत गया, पालना देना है। और जिसको दे रहे उसको बताना मत मैं तुम्हारी पालना कर रही हूं। मानसिक पालना देनी है अंदर ही अंदर, नहीं तो यह भी अहंकार है, मैं तुम्हारी पालना करती हूं। अपने बड़ों से जाके मत कह देना तुम चाहे कितना भी दुख दो हम तुम्हारी सूक्ष्म में पालना कर रहे। पालना नहीं चाहिए, पालना हम देने वाले। और जितनी सारी चीजें बताई वो चाहिए नहीं पर हम सबको देंगे। यह है कुमारी जीवन। तो टीचर अर्थात मौज में रहने वाली, टीचर अर्थात जो अपनी मौज से दूसरों की मूंझ को भी खत्म कर दे, जो दूसरों को भी उड़ा दे, दूसरों की भी उड़ती कला हो जाए, इतना आंतरिक खुशी। एक शाह अपनी पालकी में बैठकर रोज एक नगर से गुजरता था किसी मुस्लिम देश में, देखता था एक झाड़ के नीचे एक दरविश, एक फकीर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस खुश है, अपने आंखें बंद करके हंस रहा है। पहली बार देखा, दूसरी बार फिर पालकी वहीं से जा रही है, देख रहा है ये दरवेश बड़ा खुश चुपचाप अपने ही मगन में। तीसरी बार, चौथी बार, कई बार देखा, एक बार तो अपनी पालकी से उठा और उसके पास गया कि बताओ तुम इतने खुश क्यों हो, क्या तुम्हारे पास बहुत अच्छा परिवार है,
वो कहता है मैं अकेला ही हूं, परिवार है ही नहीं। क्या तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है? वो कहता है मैं तो गरीब भिखारी हूं। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है? वो कहता है रात भर हड्डियां दुख रही थी, घुटने दर्द होते हैं बहुत, बैठ नहीं सकता, ठंड लगती है ज्यादा। तो क्या तुम्हारा नाम प्रतिष्ठा है? वो कहता है कितने सालों से इधर बैठा हूं, कोई मुझे जानता तक नहीं, तो इतने खुश क्यों हो? वो कहता है मैंने अपनी परिस्थिति को, आई हैव मेड माई कंडीशन इन टू द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन, इस स्थान को जहां मैं हूं, जिस परिस्थिति में हूं मैं, मैंने उसको स्वीकार किया है। मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूं कि जो उसने मुझे दिया, मैं बहुत खुश हूं उसमें। और इसी स्थान में जहां मैं हूं उसी में मुझे जो जो मटेरियल है, जो जो सांसारिक है, उसको मैं अलौकिक आध्यात्मिक बना देता हूं। मेरी खुशी का आधार इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी खुशी का आधार कोई स्थान नहीं है, मेरी खुशी का आधार कोई वस्तु नहीं है, मेरी खुशी का आधार कोई परिस्थिति नहीं है, खुशी मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं खुश हूं। स्वस्फूर्णा है खुशी। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, खुशी है इसलिए सेवा करते हो या सेवा करते हो इसलिए ताकि खुशी हो? खुशी है इसलिए सेवा करते हैं या सेवा इसलिए कर रहे ताकि खुशी मिले? सही सही बताओ जो है वो। ये तो थ्योरेटिकल बता रहे हो अच्छा वाला उत्तर, जो हमारा है वो तो बता ही नहीं रहे। वैसे दोनों ही बातें सही है, परंतु हमारी खुशी का आधार सेवा नहीं है। अगर वो कोई ये है कि मैं सेवा इसलिए करता हूं ताकि खुश हूं, सेवा हटा दी जाएगी तो खुशी खत्म, सेवा बदल दी जाएंगी खुशी खत्म। आज सेवा दिए, कोर्स कराओ, कल बोलेंगे किचन से बाहर नहीं निकलना, दुखी हो जाएंगे फिर। आज कहा ये डिपार्टमेंट में सेवा करो, अच्छा अमृत वेला भी हो रहा है, मुरली भी हो रहा है, सेवा बदल दी, मुरली चालू है, हम डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, नीचे बाबा आए हैं अपने डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। खुशी का रूप स्वरूप बदल गए ही सेवा, खुशी गायब। हम खुश हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं, सेवा हमारी खुशी का आधार नहीं है। सेवा बहुत अच्छी बात है, सेवा से खुशी मिलेगी वो दूसरी बात है, पर वो आधार हमारी खुशी का नहीं है। हमारी खुशी का आधार अंतर्मुखी अवस्था है, हमारी खुशी का आधार हमारी अपनी स्थिति है, अचल अडोल अवस्था है, हमारा ज्ञान का चिंतन है, हमारी एकाग्रता है, हमारा भगवान से प्यार है हमारी खुशी का आधार। सब चले जाए और मैं अकेला ही बच जाऊं तो भी कोई दुख नहीं, ये कैसा दृश्य है? जितनों को हम चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, सबकी लाशें बिछी है, हम खड़े दुखी होंगे, ओ ये मेरे बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई कितना प्यारा था, ये भाई जिसने ज्ञान में लाया, वो बहन जी, ये वो जिसको मैंने कुमार बनाया था, अच्छा ज्ञान में चल रहा था, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो, कोई नहीं बचेगा। बाबा हमारी मम्मा चली गई, हम क्या करें, हमारी मम्मा चली गई, दुखी है। बाप कहते तब तुम्हारा नंबर है, मुरली थी ये 24 जून 2019 की। बच्चे कहते हैं बाप हमारी मम्मा चली गई, बाप कहते अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओगे, तैयार हो जाओ जाने के लिए। ये गया वो गया फलाना गया, अच्छा है गया तो गया, आया तो आया, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, अपने आप संसार में निर्मोही होके चलना है, उसको कोई चिंता नहीं है। जो मोह करता है इधर मोह, उसमें मोह, जिसके हर चीज में मोह, 10 दिन एक व्यक्ति के साथ कमरे में रहता है उससे मोह हो जाता है, उसके साथ मूर्ति, उसके साथ क्लास, उसके साथ वॉकिंग, उसके साथ भोजन, उसके साथ योग, कहाँ गया योग में नहीं आ रहा है मैसेज, मैं यहाँ हूँ जल्दी आओ, आ गया हाँ
अच्छा योग लगा आज, किससे लगाया था, उससे या उससे? हमारी दिनचर्या का कोई व्यक्ति आधार ना हो। तो टीचर अर्थात मौज में रहने वाली, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टीचर अर्थात डबल लिफ्ट, एक वरदान एक अटेंशन, उनको वरदान भी मिला है और अटेंशन। टीचर अर्थात थर्ड पॉइंट, जीवन मुक्त, मुक्त मुक्त और जीवन मुक्त का यही अनुभव करना है, मैं मुक्त आत्मा हूं, ना इसमें ना उसमें ना किसी और में फंसी हुई। टीचर्स को कभी बाबा ने कहा था तुम्हें बहुत सेवा करनी है, प्यार से सेवा करनी है। टीचर्स अर्थात जो प्यार से सेवा करे, दूसरी लाइन टीचर अर्थात परंतु किसी के प्यार में फंस के सेवा नहीं करनी है। प्यार से करो परंतु किसी के प्यार में फंस के नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट, टीचर अर्थात सफलता जन सिद्ध अधिकार। आज का स्लोगन क्या है कौन बताएगा? सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार के रूप में उसे स्वीकार करना। बाबा ने कहा यह नशा हो यह निश्चय हो, यह नशा हो यह निश्चय हो कि जो भी काम हम करेंगे, जो भी सेवाएं हम करेंगे, सफलता पहले से ही उसमें समाई हुई है। ये डाउट, ये सस्पिशन, ये संदेह नहीं कि सफल होगी या नहीं होगी, होगी ही, क्योंकि ये कार्य हम उसके लिए कर रहे हैं, ये उसका कार्य है। अभी अभी हम एक जगह गए थे, वहां एक सेंटर पर एक भाई लेके गया हमको, और वो भाई कहने लगा ये जो सेंटर है 30 साल से है मैं देख रहा हूं और ये संपूर्ण निर्विघ्न है। हमने कहा ऐसे? तो उस भाई ने कहा क्योंकि यहां की जो बहन है उसका योग का चार्ट 4 घंटा है। सेंटर का वायुमंडल कितना पावरफुल था। केवल एक ही बहन ने, 2-3 बहनें, तीनों ही महायोगी। उनने कहा कि मैंने इतने सालों से इस सेंटर की बहन को कभी भी आज तक नुमा शाम का योग करते मिस करते देखा नहीं। अगर हम लेट हो जाते तो दूसरे दिन हमारी क्लास होती है कि कल कहां थे शाम को। योगी आत्माएं, गुप्त योगी आत्माएं छिपी हुई है, जहां भपका नहीं है, ऐसे सेंटर्स है, निर्विघ्न भी है। और वो निर्विघ्न का आधार है वहां की रहने वाली सेंटर टीचर बहन की प्यूरिटी और स्थिति और ज्ञान योग में रुचि। और एक दूसरे उदाहरण है जहां पर सेवाओं के विस्तार में ऐसे खो गए हैं, ना तो ज्ञान है ना योग है, एक ही चीज दिखाई देती है, सेवा सेवा सेवा। नहीं हो तो बेचैन होते, वर्कोहोलिक। सेवा ही खुशी का आधार, सेवा ही जीवन का आधार, बहुत अच्छी बात है सेवा, पर बेचैनी है। अगर कहो आज कुछ नहीं करना एक दिन वैसे ही बैठो, बहुत मुश्किल है योग करते बैठना सारे दिन भर। एक विदेशी ऑथर ने एक बात लिखी है, वो अध्यात्म को इतना तो नहीं जानती है, पर उसने लिखा अगर एक व्यक्ति एक कमरे में बंद हो जाए बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना लैपटॉप, बिना इंटरनेट और बिना टेलीविजन, और 16 घंटे मेडिटेशन करे 3 हफ्ते के लिए, 16 घंटे एक ही कमरे में मेडिटेशन करे, और उसने जो मेडिटेशन कहा है वो है इनहेल एक्सहेल, श्वास आ रहा है श्वास जा रहा है, उसको वहां तक ही पता है। उसने लिखा वो व्यक्ति जब बाहर आएगा ही विल बी एन एनलाइटेंड पर्सन, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो संसार को प्रकाशित कर देगा। मुश्किल काम है। वो कौन है? सिद्धू, पीवी सिद्धू, सिंधु। उसका इंटरव्यू में उसने कहा कि 8 हफ्ता आई वॉज विदाउट मोबाइल, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, 8 मंथ्स मोबाइल ही नहीं था हाथ में, 8 महीने। एक दिन करके दिखाए तो भी बहुत है, वस्तुएं आसपास है, साधन है, पर उनसे हम डिटैच रहे, इतने उसमें आसक्त और पागल नहीं हो जाना है उसके पीछे। प्रयोग करना है, प्रयोग होते ही रख दो, आग की तरह है साधन मोबाइल, घर भी जला देगा या रोटी पकाएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। 3 हफ्ता एक कमरे में बंद, 16 घंटा मेडिटेशन,
नो बुक्स, किताब भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, टीवी भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी हो सकता है, विक्षिप्त भी हो सकता है। ये तो चलो हमने एक उदाहरण बताया, इसको सोचना है थोड़ा। अपनी खुद की भट्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तीन दिन भट्टी करनी है, जिसमें 8 घंटा योग का चार्ट हो, 4 घंटा बैठ के, 4 घंटा चलता फिरता। जिसमें किसी की भी याद ना आए, कोई किसी को कोई फोन नहीं करना है, अनलेस एंड अंटिल, खाली रिसीव करना है, वो भी हाय हेलो ओम शांति रखता हूं। क्यों बात करनी है लंबी लंबी बातें, क्या चल रहा है, मौसम कैसा, इधर आज बारिश आई, उधर भालू था कि नहीं था, आज पता नहीं कल बारिश होगी कि नहीं होगी, वो खरीदा क्या, आज भोजन में क्या था, फिर क्या बना, इधर ये बना, उधर क्या चल रहा है, और बोलो, और बताओ, और सुनाओ, क्या चल रहा है, सब वेस्ट। 3 मिनट से ज्यादा तो किससे बात करने की जरूरत ही नहीं है मोबाइल में, वो भी 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। हाँ कोई सेवा समाचार है तो ठीक है, और दूसरी बात है अपनी दुख की कहानी किसी को सुना रहे, वो वहां बैठा है, हम यहां बैठे हैं, क्या करेगा वो, वहां से तकाज देगा, वो दुखी बहन बैठी है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा, वो यहां से भाई क्या करेगा। तुम्हारा सेंटर है, तुम्हारे स्टूडेंट है, तुम्हारे इंचार्ज है, तुम्हारा पति है ऊपर बैठा, मैनेज करो खुद। कुमार अर्थात स्वयं को शिव बाबा की सजनी समझने वाले, तो किसी का साजन बनने की इच्छा खत्म हो जाएगी। पुरुषार्थ क्या करना है, स्वयं को सजनी समझने वाले, और जो बाप है वो पुरुषार्थ करेंगे, मैं बाप का बच्चा हूं, तो बाप कॉन्शियसनेस निकल जाएगा, इसका मैं बाप हूं, ये मेरा सुनता क्यों नहीं, अरे मैं खुद ही बच्चा हूं, वो मेरा क्यों सुनेगा, हटाओ उसको। तो कुमारियों की 4 पॉइंट्स है, टीचर्स की 4 पॉइंट्स। कुमारी अर्थात सबसे पहले बताया नौकरी की टोकरी नहीं, कुमारी अर्थात दूसरा बताया जो अपना फैसला खुद करे, कुमारी अर्थात तीसरा बताया पंख उमंग उत्साह के, कुमारी अर्थात चौथा बताया समझदार, सोचा समझा और किया। 4 बातें कुमारियों की, 4 बातें टीचर्स की, टीचर अर्थात मौज में रहने वाली, टीचर अर्थात डबल लिफ्ट, टीचर अर्थात मुक्त जीवन, मुक्ति का यहीं पर अनुभव करने वाली, और लास्ट टीचर अर्थात सफलता जनसिद्ध अधिकार है। तो ऐसी 4 पॉइंट टीचर की थी और 4 पॉइंट्स कुमारियों की थी, और जो मुख्य मुरली है वो कहीं और रिवाइज कर चुके हैं, उसमें भी 1-2 बातें जो है जो बाबा ने कही थी कि 5 विकार जो है उनको क्या कर दो, परिवर्तित कर दो, काम को क्या कर दो, शुभ भावना बना दो, क्रोध अग्नि को योग अग्नि बना दो, लोभ को क्या कर दो, चाहना हो बेहद का सेवाधारी बनना है, बाप समान बनना है, मोह को क्या कर दो, मोह जिससे होता है वो 1 सेकंड भी उससे दूर नहीं रह सकते, बाप से ऐसा मोह कि तुम्हारी आंखों से वो दिखाई दे और जब तुम बोलो तो उसके महावाक्य बोलो, जब तुम बोलो तो दूसरी आत्माओं को बाप की याद आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा भगवान के किसी और मुरली में महावाक्य है, जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। और अहंकार का क्या करेंगे, समान देही अभिमान में परिवर्तित कर देना है, तो 5 विकार है, 5 विकार को परिवर्तित कर दो, 5 तत्व है उसको भी रूपांतरित कर दो, सूर्य तुम्हारे लिए भोजन बनाएगा, हवा संगीत और हवा पंखा करेगी, और धरती तुम्हारे लिए अनाज अन्न बनाएगी, और धरती पर नेचुरल ब्यूटी होगी, ये जो पहाड़ियां होगी पंख होंगे, फूल जैसे होंगे, अलग अलग शेप के होंगे, और पानी क्या करेगा, इत्र वाला होगा, सुगंधित होगा, शक्तिशाली होगा, पवित्र होगा, जड़ी बूटियों से सुगंधित होगा, तो स्वास्थ्यवर्धक भी होगा, तो हो गया पानी। एक होगा आसमान, आसमान तुम्हारा राजपथ होगा, ऐसा राजपथ तुमको और कहीं नहीं मिलेगा, विचरण करो उसके ऊपर, आग का छोड़ दिया, आग को रिप्लेस कर दिया सूरज से, इसके लिए ये 1 तत्व तो छोड़ दिया बाबा ने,
तो पांच तत्व परिवर्तन कर दो, वो तब होगा जब तुम यहां स्वराज्य अधिकारी बनोगे, ये तुम्हारी दासी बन जाएंगे, इनके ऊपर राज करो अभी, माने अभी अभी जो स्वराज्य अधिकारी, अपने शरीर के अब जो मालिक है, मन बुद्धि के जो मालिक है, वो है स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी पहला सम्मान, दूसरा सम्मान स्नेही आत्माएं हो, तीसरा सम्मान बेहद के सेवाधारी हो, चौथा सम्मान अनन्य हो, पांचवा सम्मान सिकिलदे हो, छठवा सम्मान योग्य हो, सातवां सम्मान योगी हो, आठवां सम्मान, ये मुरली है पूरी संडे की, उसके बाद में निर्माण हो, उसके बाद में ऊंची स्थिति में रहने वाले हो, उसके बाद में विश्व के फाउंडेशन हो, उसके बाद में नए विश्व के रचता हो, उसके बाद में तुम्हारे सिर पर क्या है, पवित्रता के लाइट का ताज, उसके बाद में गले में क्या है, दिव्य गुणों की माला, उसके बाद में तुम्हारे मस्तक पे क्या है, दिव्य तिलक, और तुम किस आसन पर विराजमान हो, स्वस्थिति के सिंहासन पर विराजमान हो, पंद्रहवा और सोलहवा माया जीत प्रकृति जीत। तो संडे की मुरली में शुरुआत से मुरली के वहां तक 16 सम्मान है, पांच तत्वों के बारे में वर्णन किया सत्युग के, और पांच विकारों को परिवर्तन करने के बारे में कहा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी भव। ओम शांति।